अब इस वजह से सुर्खियों में आए के एल राहुल, लेकिन अब गाली नहीं ताली मिल रही हैं। करण जौहर के शो खौफ ही विद करण में विवादित बयानों से लोगों के निशाने पर आए के एल राहुल ने अब अपनी छवि सुधारने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मुंबई मिरर की खबर है कि केएल राहुल ने रोड एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में मौत से जूझ रहे पूर्व क्रिकेटर जैकब मार्टिन की मदद के लिए भारी रकम दी है। हालांकि राहुल ने कितना पैसा दिया है इसका खुलासा नहीं हुआ है। जैकब की पत्नी ने मीडिया को बताया है कि उन्हें जितनी भी मदद मिली है उनमें से सबसे अधिक मदद केएल राहुल ने ही की है। इससे पहले हार्दिक पांड्या के भाई कृणाल पांड्या ने भी मदद के लिए ब्लैंक चेक जारी किया था। आपको बता दें, मार्टिन के इलाज में हर रोज 70,000 रुपए खर्च हो रहे हैं और अब परिवार वालों को उनके इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। 46 साल के मार्टिन भारत के लिए 10 वनडे खेल चुके हैं। 28 दिसंबर को स्कूटर से यात्रा के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान उनके लिवर और फेफड़ों में चोट लगी थी और तभी से वे वेंटिलेटर पर हैं। अस्थाई बैन के बाद जांच पूरी होने तक पांड्या और केएल राहुल को खेलने की इजाजत दे दी गई। पांड्या टीम इंडिया के साथ न्यूजीलैंड में है, जबकि केएल राहुल इंडिया ए के साथ इंग्लैंड लायंस के खिलाफ मुकाबला खेल रहे हैं। केएल राहुल की खराब फॉर्म अब भी जारी है। उम्मीद है कि वो जल्द ही फॉर्म में वापसी कर वर्ल्ड कप टीम में चुने जाएं।